फोटो भी शूट करते हैं। अंकित जल्दी आओ। अंकित हो जाएगा थोड़ा हमारे भी हो जाएगा काशी की खाम हमें भी है। किस तरीके से स्वास्थ्य मेला लगा है? ये हमारे कानपुर महानगर में जेके हॉस्पिटल है, उसके प्रबंधक है हमारे आदरणीय यादवन जी, उनके माध्यम से नगर पालिका अम्बेडकर पार्क में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कैंसर रोग विशेषज्ञ हों, फिजिशियन हो, सर्जन हो, अन्य क्षेत्र में जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम है आज नगर पालिका अम्बेडकर पार्क में मौजूद है। हमारे नगरवासी और साथ ही साथ आसपास क्षेत्र के तमाम लोग इस स्वास्थ्य मेले का निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए अपने चेकअप करा रहे हैं। यहाँ पर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जा रहा है और उनका उचित मार्गदर्शन देते हुए गंभीर बीमारियों के लिए उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है। ऐसे डॉक्टरों की टीम है यहाँ पर, उनका 18 लोगों का स्टाफ आया हुआ है, जिसमें हमारे 8-10 के बीच में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, बाकी स्टाफ के लोग हैं। किस तरीके के पेशेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं? हर प्रकार के पेशेंट आ रहे हैं, चेकअप भी हो रहा है उनका, और जो फ्री जाँचें हैं और जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो दवाइयाँ दी जा रही हैं। और हमारे आदरणीय बड़े भाई यादवन जी के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि ये स्वास्थ्य शिविर जो लगाया गया है, हमारे जो यहाँ पर पेशेंट आए हुए हैं अगर हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो उनको हम विशेष छूट भी देंगे। गंभीर बीमारी होगी तो हम आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है उसकी हर संभव यथासंभव मदद भी करेंगे। सर ये बताइए, आज आप लोगों ने हमीरपुर में कैंप लगाया हुआ है जी, और यहाँ पर कैंप का क्या उद्देश्य था और किस बीमारी के सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं? आज हम लोग जो है हमीरपुर में जनपद में हमारे भाई कुलदीप निषाद जी चेयरमैन जी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों ने यहाँ की जो गरीब जनता है जिसको इलाज नहीं मिल पाता है, जिसको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं, उनके लिए ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था। तो यहाँ पर हम लोग आए और हम लोगों ने करीब 250-300 पेशेंट देखे हैं और हमारे साथ 10 डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट की टीम है, करीब 18-20 लोगों का स्टाफ है, हम लोगों ने सभी को देखा है। यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो पेशेंट है जो मौसम बदलाव हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम
और इस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा हैं क्योंकि मौसम का बदलाव हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा और आँखों के भी हैं। और हमारे यहाँ कैंसर विशेषज्ञ हैं, न्यूरो के हैं, जनरल सर्जन हैं और गायनी की भी हैं डॉक्टर, सभी लोग आए हुए हैं। और हम जो चाहते हैं कि यहाँ पर इस जनपद में जो भी गरीब तबके का आदमी है जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ले पाता है, हमारे भाई कुलदीप जी के माध्यम से वो हमारे यहाँ पहुँचता है, तो हम लोग उनका विशेष सहयोग करेंगे। उनको जो है जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा उसको हम छूट करेंगे और मुफ्त इलाज करने का भी प्रयास करेंगे, ये हमारा जो है प्रयास रहेगा। सर इस कैंप में जो मरीज जा रहे हैं क्या उनको दवाइयाँ वही फ्री मिली जी? इस कैंप में हम लोग जाँचें फ्री कर रहे हैं, उनका परीक्षण फ्री कर रहे हैं और दवाइयाँ भी फ्री बांट रहे हैं। ये हम लोग अपनी तरफ से और हमारे भाई कुलदीप जी की तरफ से ये सब व्यवस्थाएँ की गई हैं और हम लोग जो है फ्री बांट रहे हैं।